नमस्कार और आदाब सनीचर। आज अगस्त के 21 तारीख एनंदवेंतखोस पेश आपके लिए 7 दिन के खबरें। सुरीनाम देश का प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी मंगल 17 तारीख अगस्त को एक प्रेसिडेंट शैलदील हादसी के साथ शाम के वक्त खुयाना गए हैं। इसके साथ खुयाना गए हैं फर्स्ट लेडी मलेसा संतोखी सनीचरी, 5 मिनिस्टर्स और भी बद्रेसलेफन के कुछ लोग और साथ ओली का डायरेक्टर। खुयाना पर में पहुंचते हुए वहां खुयानेस प्रीमियर मार्क फिलिप्स लुफ्टहाफन जॉर्ज टाउन पर प्रेसिडेंट संतोखी को अपने दिल हाथी के साथ स्वागत किए हैं और वहां पर प्रेसिडेंट संतोखी जो है एरा व खुयानेस त्रुपन का इंस्पेक्टर किए हैं। जैसे हम आपको बताए हैं तो फर्स्ट लेडी इनके साथ गए थे और जो 5 मिनिस्टर्स इनके साथ गए इसमें बाउतलांग सिसाकन का मिनिस्टर अल्बर्ट रमदीन, आगे में मिनिस्टर परमानंद सिउदीन अल्फीफी का, अल्बर्ट युबिताना ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन और टूरिज्म का, दावत अबियामोफ नैचुरलिक हुलब्रोनन का और रियाद नूर मोहम्मद ओबनबारे वर्कन के साथ प्रेसिडेंट के साथ गए हैं। और बाकी के लोग में डायरेक्टर स्टार्स ओली का था और भी बद्रेसलेफन के कुछ लोग वहाँ पर गए हैं बातचीत करने को। बातचीत हुआ है प्रेसिडेंशियल निफो मिनिस्टेरियल निफो पर और भी बद्रेसलेफन के साथ बातचीत हुआ है सुरीनाम देश में और खुयाना में इन्वेस्टर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के वास्ते। दोनों देशों ने बात किए हैं बहुत से ऐसे क्षेत्र पर एक साथ मिलकर काम करने को और ये प्रेसिडेंट संतोखी के दूसरा द्वैध ऑफिशियल बसुक है। ऑफिशियल बसुक है प्रेसिडेंट का खुयाना वो गए हैं। पहले मतवा वो पिछले साल अगस्त महीना में गए थे जब इरफान अली प्रेसिडेंट खुयाना का इन ओहू राजसी था। सुरीनाम देश और खुयाना जो है ये संबंध इन दोनों का बहुत पुराना है और ये कहा गया है कि ये नहीं देखना चाहिए कि हमें क्या दूर करता है लेकिन ये देखना चाहिए कि क्या हमको बांध के रखता है। अभी हाल ही में दोनों देशों में तेल मिला है और खस मिला है तो इन चीज़ों के बारे में बातचीत हुआ है, खस और ओली के बारे में कैसे दोनों देशों एक साथ मिलकर काम करेंगे, दोनों देशों का कैसे इससे फ़ायदा होगा और देश में तरक्की आएगा। आगे में बातचीत हुआ है यह फेयर फरबिंदिंग के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटेटन क्वारंटाइन रिफीर पर, फैलखेत इमिग्रेसी डिफेंसी और बाउ जो पुल लोग बनाने वाले हैं क्वारंटाइन नदी पर ओवर द क्वारंटाइन रिफीर, इस बारे में भी बातचीत हुआ है। प्रेसिडेंट संतोखी ने कहा है कि 4 हफ्ते के अंदर इस बारे में वो और खुलासा करने वाले हैं और फाइनल बातें बताने वाले हैं। और जो बातें हुआ है वो आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर हम आपको बताएंगे कि कल सुबह को एक ये दिलखासी जो है या प्रेसिडेंट शैल दिलखासी जो है वापस सुरीनाम देश में आए हैं और सुरीनाम देश में आते हुए सांद्रे पर प्रोटोकॉल फन ओवरड्राफ्ट दस्तखत हुआ है। मतलब ये है कि जाने पर प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी और फिर प्रेसिडेंट रोनी ब्रंसवे प्रोटोकॉल फन ओवरड्राफ्ट दस्तखत किए थे, तब प्रेसिडेंट संतोखी जो है ये बागडोर जो है देश का फिस प्रेसिडेंट रोनी ब्रंसवेग के हवाले कर गए थे और वापस आने पर प्रोटोकॉल फन ओवरड्राफ्ट फिर फिस प्रेसिडेंट रोनी ब्रंसवेग जो चंद दिनों के लिए वार्नेमन प्रेसिडेंट था ये फिर से अपना जो जिम्मेवारी है ये प्रेसिडेंट संतोखी को सौंप दिए है। यहाँ पर आते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंसी भी था जिस प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर दो ये बताया गया है कि दोनों देशों के बीच क्या क्या तय हुआ है, कौन से अफस्पराकन हुआ है और कौन से ओवर इनकॉम्सन दस्तखत हुआ है, ओवर इनकॉम्सन दस्तखत हुआ है किस क्षेत्र पर एक साथ मिलकर काम होगा, दोनों देशों कैसे एक साथ मिलकर काम करने वाले है। वैसहिंग रेवैत का आने वाली है, रेवैत जो है बदला जाएगा। फरकेश क्रिमिनेलन जो लोग यातायात में रेखल्स पर गौर नहीं करते हैं और जो लोग बार बार यानी एक बार नहीं लेकिन कई बार फरकेश ओवर ट्रेडिंग करते हैं इन लोगों पर खास गौर किया जाएगा। रेबवैस जो है इनफॉर्दर हो सकता है ये कहा गया है, वैसे ये इस वक्त भी होता है और ये भी कहा गया है कि जो रेबवैस लोगों का न सिर्फ इनफॉर्दर होगा लेकिन अनखल्दक फरकलार किया जाएगा और बाकी की खल खैच दूर के वास्ते आप ये रेबवैस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि फरकेर यातायात में आप हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
इस वक्त के जो फरकेश ओवर ट्रेडिंग है इसमें है फरकेश ओवर ट्रेडिंग में स्वार खाम लैसल मतलब कोई बुरी तरह घायल होता है या किसी का देहांत हो जाए या जो लोग शराब पीकर गाड़ी हाँकते हैं यातायात फरकेर में हिस्सा लेते हैं और ये भी कि जो लोग मक्सिमाल स्नैल हाइट पर गौर नहीं करते हैं और मक्सिमाल स्नैल हाइट से 50 किलोमीटर पर यूर और ज़्यादा ये ओवरश्राइडिंग होता है मक्सिमाल स्नैल हाइट का। ये हम आपको बता दें कि बफुख्त खसाख जो है मतलब यूसिटी एम पोलिसी जो है इन लोगों को इजाज़त है लोगों को जैसा देने के वास्ते या रेब वेज इन फॉर्दर करने के वास्ते ख़ासतौर पर जो लोग बार बार ऐसे गलती करते हैं। एक बस किंग एक मिनिस्टर ये बस किंग आएगा और ये इस बारे में अभी तक बातचीत हो रहा है कैसे लोगों को सज़ा मिलेगा या लोगों पर कदम उठाया जाएगा और कौन से और रेखल्स आएगा फरकेर के वास्ते जब ये रेवेट बदला जाएगा। एक स्त्री का देहांत हुआ है यातायात फरकेर में और ये बुध को हुआ है रोतोंद के पास पनथोखर हाउस रात में। ये पता चला है पुलिस के खोजबीन से कि एक स्लेट वाहन कुमवैन से परमारिबो आ रहा था और ये पता चला कि स्लेट वाहन का रेमन जो है ये काम नहीं कर रहा था। ये स्लेट वाहन जाकर इस गाड़ी प्रशोन ऑटो से टकराया है। बस्तूदर प्रशोन ऑटो का ये बुरी तरह घायल हुए इनको लोग हॉस्पिटल ले गए इलाज के वास्ते और मेड इनसे ये स्त्री जो थी जिसके देहांत हो गई है ये इस तरह से गाड़ी में फंस गई थी कि ब्रंथवीर को वहां पर आना था इसको गाड़ी से निकालने के वास्ते। अफसोस है कि इसके इनके देहांत वहीं पर हो गई है। पुलिस खोजबीन से ये बताई है कि यह प्रशोन वाहन का बस्तूदर जो है इनके पास एक रेब वेस तो था खैल रेब वेस ये स्लेब वाहन का बस्तूदर जो था इनके पास भी रेब वेस था लेकिन सिर्फ बे ए रेब वेस इनके पास बे सी रेब वेस नहीं था मतलब स्लेब वाहन हाँकने के लिए इन्हें इजाज़त नहीं था यह बफुख्त नहीं था। ये फरकेशदोद नंबर 57 है इस साल के वास्ते 57वां फरकेशदोद है ये औरत जिसके देहांत हुआ है यातायात फरकेर में। रामचंद्र उदित यानी राज उदित जो है इनको 16 साल के कैद का सजा सुनाया गया है। वैसे ये सजा सुनाया गया था पेशतर 488 किलोग्राम कोकाइन आउटफोर के मामले में और आपको ये पता होना चाहिए कि बहाल्फ बेग इसके अलावा यह सस्तिन यार जो खफागन इसतरफ है इसके अलावा इनको बूत भरना है 350,000 SRD सब्सिडी यार 12 मानदन हेक्टनिस। मौरिन दयाला जो है रेख्तर मौरिन दयाला जो है सोमवार को फैसला सुनाई है। एक फरसत साग था लेकिन ये फोनस जो है राज उदित का ये एक फरसतेक फोनस था तो इस पर गौर नहीं किया गया। फरसत जो लोग इतराज पेश किए थे वकील राज उदित का इस पर गौर नहीं किया गया है और ये जो फरसतेक फोनस है ये लागू है इसे आउटफोर करना ये करना चाहिए। ये फरसत जो है ये खारिज किया गया है ये नीत फरफलन फरकलार किया गया है। उदित का फरओर्डेलिंग बे फरसतेक था और इसके खिलाफ लोग गए हैं इनका वकील गए हैं। इसमें से एक वकील था चंद्रा आलगू जो कहते हैं कि अगर जज का यही फैसला है तो इन्हें मानना है और ये कैद का सजा जो है ये खफागन इसराफ सस्तीन यार का ये राज उदित को काटना पड़ेगा। मालूम होना चाहिए कि राज उदित इस वक्त ये कैद में है हॉलैंड में और ये बीमार है तो ये सफ़र नहीं कर सकता है। अगर इनका डॉक्टर जो है इजाज़त देगा सफ़र करने के लिए तो वो सूरीनाम देश आएगा अपना सज़ा यहाँ सूरीनाम देश में काटने के वास्ते। पेशतर अदफोकातन वकील जो थे उदित का ये सब गुजारिश किए थे ये दख फारदखीन जो है रद्द करने के लिए नीतक फरकलार करने के लिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। दावत सीमोन स्ट्रात में सनीचर के शाम पिछले हफ्ता सनीचर के शाम को एक आदमी जाकर किसी दूसरे आदमी को इनके घर में इस पर गोली चलाया है। गोली चलाकर जिस सफ़ेद गाड़ी से वहां पर वो आया था वो गाड़ी में बैठकर वहां से फिर चला गया है।
सनीचर के ये मामला हुआ है और सनीचर के शाम में कुछ घंटों बाद पुलिस सईसेत को गिरफ्तार किया है सरामाकास्त्राक में। सरामाकास्त्राक के एक मकान में सईसेत को पुलिस गिरफ्तार किए है क्योंकि इस पर इल्ज़ाम है, पुलिस ये सोच रहे है कि इन्होंने गोली चलाया है जिससे ये आदमी का देहांत हो गया है। सईसेत जो है ये इनकार करते हैं, ये कहते हैं कि ये सच बात नहीं है, लेकिन पुलिस इनको गिरफ्तार किए है और खोजबीन हो रहा है और जो आदमी जिस पर गोली चलाया गया है इसका लाश जो है कब्जे में लिया गया है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मिनिस्टर कनत अमोक्सी जो है यूस्टिसी एंड पुलिसी का ये फरकेश फैल खैसमान का ऐलान किया है। पिछले सालों से ऐसा होता है, अगस्त के 15 तारीख से लेकर सितंबर के 15 तारीख तक ऐसा भी इस साल में हुआ है और मिनिस्टर ये कहा है कि यातायात में बहुत से ऐसे हादसे होते हैं, बहुत से लोग घायल होते हैं और बहुत से लोगों का देहांत होता है। ये ऐलान करने पर फरकेश फैल खैसमान ऐलान करने पर उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि इस एक महीने में कोई किसी का देहांत नहीं होगा यातायात में, लेकिन अफसोस है कि उसी दिन 55 साल का ब्रॉमफिट्सर से जगत सीतल का देहांत सनीचर के रात को हुआ है यातायात में। मार्टिन लूथर किंग वेक में एक दूसरा ब्रॉमफिट्सर के साथ वो टकराया है। नहीं पता है कि ये सेव जगत सीतल जो है कैसे दूसरा रे हालत पर गए है और वहाँ पर दूसरा ब्रॉमफिट्सर से टकराया है और इनका देहांत हो गया है। आगे में हम आपको बता दें कि एक और आनराइटिंग हुआ है एक ब्रॉमफिट्सर का, यह भी मार्टिन लूथर किंग वेक में, एक स्त्री जिनके देहांत हुई है। तो ये 53 और 54 फरकेश दौदे इस साल के वास्ते और दो लोगों का देहांत हुआ है। यह है एतवार के रात को निवेर खफोंदन वेक के मोड़ पर, रामचरण स्त्रात के मोड़ पर, यहाँ पर दो लोगों का देहांत भी हो गया है। तीन गाड़ी से हादसा हुआ है, चार लोग घायल हुए हैं। इन लोगों को हॉस्पिटल में लोग दाखिल किए हैं और ये हादसा लॉकडाउन के समय हुआ है। ये दो लोग जो देहांत हुए, इन लोगों के देहांत हो जाने से फरकेश बारोमीटर 75 तक बरागर पहुँच गए हैं। और अभी जो हम आपको बताई है कि रोतोंद के पास फरतोखरास्त्रात में जिस स्त्री का देहांत हुई है ये 75 फरकेश दौद है इस साल के वास्ते। कुल मिलाकर 5 लोगों का देहांत ये फरकेश फैल खैसमान में हो गया है। ये बहुत अफसोस की बात है, जबकि मिनिस्टर अमोक्सी ने कहा था कि वो उम्मीद किए थे कि किसी का देहांत ना हो यातायात में ये फरकेश फैल खैसमान में। स्टेफानो पाकितो बेरफ्लीट लोग जनता को पुकार किए थे सोमवार को प्रोटेस्ट करने के लिए, हड़ताल करने को ऑन फंकल खेट्स प्लेन पर। इस प्रोटेस्ट अक्सी के बारे में बताने की बात यह है कि चंद लोग वहां पर मौजूद थे, लोग आए थे लेकिन बहुत कम तादाद में, और वहां पर ये प्रोटेस्ट तेरंदन के जगह ज़्यादा, इन लोगों से ज़्यादा पुलिस के आदमी वहाँ पर मौजूद थे पहरा डालने के वास्ते। और ओनाफंकल खेच प्लेन बंद किया गया था, वहाँ पर जाने के लोगों को इजाज़त नहीं मिला है। बताने की बात यह भी है कि ये प्रोटेस्ट अक्सी के वास्ते लोगों को फरखोनिंग नहीं था, तो ये अक्सी जो है कामयाब नहीं हुए है। लेकिन बेरफ्लीट कहते हैं, बाद में उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है, अभी और हड़ताल ये सब करने वाले हैं आने वाले दिनों में। बासस स्कूलन जो है आने वाले सोमवार से सिर्फ 12 बजे तक पढ़ाई वहाँ पर होगा। ये फैसला मिनिस्टेरी फन ऑनदरवेस ने लिए है, मिनिस्टर मारी लेफन से ऐलान किए है। मिनिस्टर मारी लेफन से गुजारिश किया गया था और ये गुजारिश आया था फेहापे का पार्लियामेंटारियर जो है रेशमा मंगरे के जरिए। रेशमा मंगरे गुजारिश किए थे मिनिस्टर से, गर्मी का मौसम है, काफ़ी गर्मी होते हैं और बच्चों को मंद का पहर कर वहाँ पर पढ़ाई करना है तो लोगों को काफ़ी तकलीफ होता है। तो गुजारिश किया गया था कि और जल्द ये जो पढ़ाई है रोक देने के लिए, तो इस पर गौर किया गया है। तो अब 1 बजे की जगह 12 बजे तक स्कूल रहता है, यहाँ पर पढ़ाई होता है। और ये बात जो है, ये ऐलान जो है स्कूल लेडर्स को एक सर्कुलर के ज़रिए इतला किया गया है और इन लोगों से गुजारिश किया गया है कि बच्चों के माँ बाप तक ये खबर पहुँचा देने के वास्ते। ये आखिरी खबर था आज 7 दिन। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।